Hello everyone, my name is Chandan Singh. So guys, NCERT class 6th English supplementary lesson 7. Okay, 10 lesson hai isme 7 tak main pahunch gaya hu. Fatafat ise complete kara dunga. Guys dekhiye, yahan likha hai ki the wonder called sleep. Okay, wonder ka matlab kya hota hai? Wonder ka matlab hota hai ki ekdam adbhut surprise wali jo baat hai. Called sleep yani ki wo surprise matlab jise neend वो एक ऐसी चीज है जो कि सरप्राइज के रूप में है. द वंडर ऐसा सरप्राइज कॉल्ड नींद यानी कि स्लीप मतलब जिसे नींद कहा जाता है. तो कई बार डायरेक्ट हिंदी करना मुश्किल है. तो आप समझ पा रहे हैं कि वंडर वो अद्भुत चीज वो सरप्राइज कॉल्ड स्लीप जिसे नींद कहा जाता है. अब यहां पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको देखते हैं. आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटिक आफ्टर अ गुड स्लीप. इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो शरीर है एंड ब्रेन और हमारा जो दिमाग है रिकवर फ्रॉम फैटिक. फैटिक का मतलब होता है थकावट. तो थकावट से रिकवर करता है यानी कि थकावट से खुद को रिपेयर कर लेता है, रिकवर कर लेता है आफ्टर अ गुड स्लीप. तो एक अच्छी नींद के बाद हमारा जो शरीर और दिमाग है वो खुद को रिकवर कर लेता है थकावट से यानी कि फ्रेश हो जाता है. वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग. वाइल के बाद वर्ब में आईएनजी आ जाए इसका मतलब कि कुछ करते समय, जैसे कि वाइल ईटिंग खाते समय, तो वाइल स्लीपिंग सोते समय. तो वी ड्रीम हम सपने देखते हैं वाइल स्लीपिंग यानी कि सोते समय. बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स. बट लेकिन वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. डू नॉट यानी कि डोंट, हम हमेशा याद नहीं रखते हैं आवर ड्रीम्स, अपने सपनों को हमेशा याद नहीं रखते हैं. ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, यानी कि उस स्लीप के दौरान, उस नींद के दौरान आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, दिल की जो धड़कन है वो काफ़ी स्लो हो जाती है. एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. टेम्परेचर यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाता है, जो ब्लड का प्रेशर है वो भी डाउन हो जाता है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. देखिए, वी नो एनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज. देखिए, वी नो एनफ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि हम जानते हैं. एनफ हम काफ़ी सारा जानते हैं किस चीज़ के बारे में, तो अबाउट. अबाउट क्या है? प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन के बाद ये देख रहे हैं ना, व्हाट स्लीप इज, इस तरह का जो सेंटेंस होगा इसे हम बोलते हैं नाउन क्लॉज कहते हैं. प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लॉज होगा. तो व्हाट स्लीप इज यानी कि हम काफ़ी कुछ जानते हैं किस चीज़ के बारे में कि नींद क्या है. व्हाट स्लीप इज, यहाँ इज यहाँ नहीं आ सकता, व्हाट इज स्लीप नहीं होगा. वो नियम है नाउन क्लॉज का कि यहाँ जब भी आप ऐसे लगाएंगे ना, जैसे कि मैं आपको ऐसे बता दूं कि व्हाट आर यू डूइंग, हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. और मैं बोल दूं कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट यू आर डूइंग फर्क नहीं है. तो व्हाट यू आर डूइंग ये एक नाउन क्लॉज है. तो उसी तरीके से ये आपका व्हाट स्लीप इज नाउन क्लॉज, इज यहाँ नहीं आएगा. अगर इज यहाँ पर आ गया तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज स्लीप, नींद क्या है. तो यहाँ अगर मैं इसकी पूरी हिंदी करूँ तो वी नो एनफ अबाउट, हम काफ़ी कुछ जानते हैं व्हाट स्लीप इज, जो नींद है. यहाँ व्हाट जो है वो जो वाली फीलिंग देता है, बट कहने को हिंदी में कहते हैं कि नींद क्या है, हम काफ़ी कुछ जानते हैं. ओके, दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉज इज स्लीप. दो तो दो का मतलब है कि अंतर दिखाता है, दो चीज़ों में, दो सेंटेंस में अंतर दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं. एक तरफ कह रहा है कि हाँ हम काफ़ी कुछ जानते हैं स्लीप के बारे में, फिर भी वी डोंट नो, हमें ये नहीं पता व्हाट एग्जैक्टली कॉज इज स्लीप, कि ऐसी कौन सी चीज़ है. यहाँ भी जो व्हाट आप देख रहे हैं ये पूरा एक नाउन क्लॉज बना रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है एग्जैक्टली कॉज इज स्लीप, जो नींद को उत्पन्न करती है. अगर मैं इसको इसकी हिंदी करूँ तो यद्यपि हमें नहीं पता है जो, यहाँ व्हाट का मतलब जो वाली फीलिंग है कि जो एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, जो नींद को कॉज करती उत्पन्न करती है. तो इस पूरे का मतलब समझ में आ गया कि हम नींद के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं फिर भी ये नहीं जानते हैं कि नींद को पैदा कौन सी चीज़ करती है, क्या उत्पन्न करती है. स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. स्लीप क्या है? तो एक अवस्था है, स्टेट है. किस चीज़ की स्टेट है? रेस्ट की, यानी कि आराम की एक अवस्था. अगर आप आराम में हैं तो आप स्लीप में हैं. एन अनकॉन्शियस रेस्ट. और कैसा रेस्ट है? तो रेस्ट को भी डिफाइन कर दिया कि अनकॉन्शियस, जहाँ पर आप बिल्कुल अपने दिमाग में, अपने होश में नहीं है. अनकॉन्शियस का मतलब एक तरीके से बेहोश है. ऐसी आराम है कि आप लेटे हैं बट आपको कुछ नहीं पता आपके चारों तरफ क्या हो रहा है. अनकॉन्शियस रेस्ट है. वेन वी स्लीप, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि जब, वेन मतलब जब हम सोते हैं आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिक, हमारा जो बॉडी है वो रिकवर करता है
वापस कर लेता है खुद को, यानी कि थकावट से रिकवर करता है। रिकवर का मतलब क्या है कि फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है, फ्रेश हो जाता है, इसलिए यहाँ रिकवर लगा है। फ्रॉम फैटिक कॉज्ड बाई द डेज एक्टिविटीज। अब यहाँ कॉज्ड क्या है, ये वी थ्री है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कभी भी आपको मिले कॉज्ड बाई, रिटेन बाई, लेड बाई, हेडेड बाई, ये इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो फैटिक के बारे में बता रहे हैं कि ये थकावट कॉज्ड बाई द डेज एक्टिविटीज, जो दिन भर की एक्टिविटी के द्वारा जो उत्पन्न होती है फैटिक, उस फैटिक से हमारा जो शरीर है वो खुद को रिकवर करता है। ठीक है जी। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे। देखिए, आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छे स्लीप के बाद, एंड द रेस्ट, और रेस्ट के बाद, दैट इट गिव्स, दैट मतलब जो वो रेस्ट जो ये देता है, यानी कि जो अच्छा स्लीप है वो रेस्ट जो हमें देता है, वी बिकम अलर्ट, हम अलर्ट हो जाते हैं, एंड एक्टिव अगेन, दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे, दिन भर की जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज होती है उसके लिए हम फिर से एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए। When we wake up, present indefinite है कि जब हम उठते हैं, wake up मतलब जगना, जब हम जगते हैं, in the morning, सुबह में, morning में हमेशा in the का इस्तेमाल होता है, in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep। देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया कि when we wake up in the morning, जब हम सुबह जगते हैं, it is always not possible for us, ये हमेशा हमारे लिए संभव नहीं है, to remember, क्या संभव नहीं है, याद रखना संभव नहीं है। क्या याद रखना, व्हाट हैपेंड, यानी कि जो हुआ, या व्हाट का मतलब है जो, कि जो भी हुआ, व्हेन वी वर स्लीप, व्हेन वी वर अस्लीप, अस्लीप का मतलब सोया हुआ, कि जब हम सोए हुए थे उस वक्त जो जो हुआ उसको हमेशा याद रखना पॉसिबल नहीं है। जब हम सुबह उठते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब याद ही रहे। वी मे रिमेंबर, मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब है कि हो सकता है, चांस कि वी मे रिमेंबर, हो सकता है कि हमें याद हो, और ड्रीम, हो सकता है कोई सपना याद हो, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस, लेकिन बाकी बचा हुआ जो हमारा हमारी नींद थी वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस, वो एक अंधेरे की तरह थी, इन विच, इन विच मतलब जिसमें, जिसमें नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, सीम का मतलब दिखना, प्रतीत होना, जिसमें कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है, हैव टेकन प्लेस कि कुछ भी हुआ हो, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, और यहाँ पर हैव टेकन प्लेस का मतलब है कि ऐसा नहीं दिखता है कि कुछ भी घटित हुआ हो। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि यू सीम टू हैव परचेज्ड अ फ्लैट, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने फ्लैट खरीदा है, यू नो, शी सीम्स टू हैव स्लैप्ड अ बॉय, उसे देखकर ऐसा लगता है उसने लड़के को चाटा मारा है, तो उसी तरीके से सीम्स टू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है कि ऐसा लगता है कि ऐसा किया है। ठीक है जी। मैं, मेरा थोड़ा स्टाइल अलग होगा, मैं एक एक सेंटेंस को तोड़ना भी सिखा रहा हूँ कि जो बिल्कुल जो बिगनर्स है ना, जो हिंदी तो जानते हैं बट वो सेंटेंस में उलझ जाते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सेंटेंस भी समझा रहा हूँ, तो थोड़ा वक्त लगेगा, अगर आप बोर ना हो तो मैं ऐसे ही आपको सिखाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी। देखिए, सेवरल का मतलब होता है कई सारी, मतलब बहुत, थिंग्स मतलब चीजें, तो कई सारी चीजें हैं, हैपन टू आवर बॉडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो होती है हमारे शरीर के साथ, कब होती है, वाइल वी वर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं, यहाँ तो सॉरी वी आर स्लीपिंग है, वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तब बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के साथ होती है। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, सिंक का मतलब होता है डूब जाना, तो थोड़ा घुमाकर तो लिखते हैं राइटर लोग कि हम डूब जाते हैं डीपर और गहरा इन टू स्लीप, नींद में जब और गहरा हम धंस जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, तो हमारे जो मसल्स हैं वो अधिक से अधिक रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स, जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोवर, हमारी जो दिल की धड़कन है, जो हार्ट बीट है, वो स्लोवर हो जाती है, वो बहुत धीरे हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी नीचे चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन, एवर एक्टिव, जो हमेशा एक्टिव रहता है ब्रेन, ऑल्सो स्लोज डाउन, वो भी एक्टिव मतलब थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। सो दैट, सो दैट का मतलब है ताकि, वी कैन नॉट थिंक, ताकि हम सोच ना सके, और एक्ट कॉन्शियसली, और पूरा दिमाग लगाकर हम ज़्यादा काम ना कर सके, इसलिए सब कुछ सुस्त हो जाता है। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं। वेन वी वेकअप, जब हम जगते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जब हम जगते हैं हमारा जो टेम्परेचर है और जो ब्लड प्रेशर है राइज टू नॉर्मल, राइज मतलब फिर से
बढ़ना वो नॉर्मल की तरफ हो जाता है, राइज हो जाता है, उठ जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हमारा हार्ट बीट और जो ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल हो जाता है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम फुली जगे हुए होते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और हम अधिकतर सब कुछ भूल चुके होते हैं। यू नो वी आर फुली अवेक, हम जगे होते हैं, एंड हैव फॉरगॉटन, भूल चुके होते हैं सब कुछ। इफ़ नॉट ऑल, अगर सब कुछ नहीं भूला तो द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, अगर सब कुछ नहीं भूला तो क्या नहीं भूला कि कुछ ड्रीम्स हैं दैट मतलब जो वी हैड वाइल स्लीपिंग, हैड मतलब जो हमने देखा, ऐसे बोलते हैं ना आई हैड अ ड्रीम, तो ये हैड का मतलब कोई पास वाली फीलिंग नहीं दे रहा है, पोजेशन नहीं है, ये हैड वो है जैसे आई हैड सम फूड येस्टरडे, आई हैड लंच, वही वाली फीलिंग है कि आई हैड अ ड्रीम, मैंने सपना देखा वाइल स्लीपिंग सोते समय। तो कुछ सपने याद रहते हैं जो हम सोते समय देखते हैं। आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पर तीन पॉइंट्स हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे। लिखा है कि अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, सपना क्या है, एक एक्टिविटी है माइंड का, माइंड अपनी एक एक्टिविटी करती है, वही सपना है। व्हेन वी आर अस्लीप, अस्लीप मतलब सोया हुआ, जब हम सोए हुए होते हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस, सपने जो है हमारी मदद करते हैं, मदद करते हैं किस चीज़ में, स्लीप थ्रू नॉइज, कि नॉइज में से भी हम सो जाते हैं, नॉइज अगर चारों तरफ नॉइज हो तब भी हम सो सकते हैं, और एंड अदर डिस्टर्बेंस, अगर और भी डिस्टर्बेंस हो तब भी हम सो सकते हैं, तो इसमें ड्रीम हमारी मदद करता है। ड्रीम्स मे रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम्स, मे का मतलब चांसेस है, हो सकता है कि जो सपने हैं वो रिवील करे, रिवील का मतलब सामने रखना, उजागर करना, दिखा देना, हो सकता है सपने उजागर कर दे समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी के, वन का मतलब कोई भी थर्ड पर्सन, तो किसी के प्रॉब्लम के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में हो सकता है सपना कुछ बता भी दे, बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, लेकिन जो सपने हैं वो भविष्य नहीं बता सकते हैं। आगे देखते हैं, वट इज अ ड्रीम, सपना क्या है, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, यह दिमाग की एक्टिविटी है, दैट टेक्स प्लेस, टेक प्लेस एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है घटित होना, यानी कि जो होता है व्हेन वी आर अस्लीप, एक ऐसी एक्टिविटी है जब हम सो रहे होते हैं तो वो एक्टिविटी होती है, वही सपना है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल, कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो संभव हो सकते हैं, प्रोबेबल मतलब कि चांस है कि वो पॉसिबल हो जाए फ्यूचर में, जैसा देखा वो हो सकता घट जाए। वाइल अदर्स आर नॉट, जबकि, वाइल का मतलब है जबकि, वाइल के दो मतलब होते हैं, वाइल के बाद अगर वर्ब में आई एन जी आ जाए, जैसे कि खाते समय पीते समय वाइल ईटिंग वाइल ड्रिंकिंग, और नहीं तो ये जबकि वाली फीलिंग देता है कि वाइल अदर्स आर नॉट, जबकि ये दूसरे बाकी जो सपने हैं, जरूरी नहीं कि प्रोबेबल हो, जरूरी नहीं कि सच हो जाए। दैट ओनली मीन्स दैट मेनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, ये दैट बहुत आता है, दैट के कई मतलब है, दैट मतलब की भी है, दैट मतलब जो भी है, तो दैट पर फोकस कीजिए। दैट ओनली मीन्स जिसका एक ही मतलब है, दैट ओनली मीन्स जिसका एक ही मतलब है, दैट मेनी यह की यहाँ की है, दैट मेनी ऑफ द थिंग्स बहुत सारी जो चीज़ें हैं, दैट हैपन यहाँ दैट का मतलब जो है, जो होती है इन ड्रीम्स, यानी कि सपनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सपनों में इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं, कुड हैपन, कुड मतलब चांसेस है, यहाँ कुड फ्यूचर के लिए दिखा रहा है कि हो सकता है कि ये भी हो जाएगा, हो सकता है हैपन व्हेन वी आर अवेक, हो सकता है कि हम जगे हो तभी चीज़ें हो जाए जो हमने सपने में देखी है। अदर्स कुड नॉट, लेकिन ज़्यादा जो दूसरे हैं कुड नॉट नहीं भी हो सकते हैं। तो ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट, ड्रीम्स जो सपने हैं सीम टू बी का मतलब है देख कर ऐसा लगता है, टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स, कुछ कारण से देखे तो सपने इम्पॉर्टेंट जैसे प्रतीत होते हैं कि भाई सपने भी इम्पॉर्टेंट है। वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज, तो उन कारण में से जो रीजन्स हैं उन कारण में से एक कारण तो ये है कि ड्रीम कैन हेल्प अस, ड्रीम जो है सपने जो है हमारी मदद कर सकते हैं टू स्लीप थ्रू नॉइज, कि अगर हम नॉइज है कहीं पर शोर है उसमें भी हम सो जाएंगे, और अदर डिस्टर्बेंस किसी भी डिस्टर्बेंस में हम सो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे द अलार्म क्लॉक रिंग्स, यानी कि जब अलार्म क्लॉक बजता है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट, लेकिन हमारा जो दिमाग है कॉजेज अस टू ड्रीम, वो हमें ऐसे सपने दिखाता है, कॉज का मतलब उत्पन्न करना, मजबूर करना कुछ चीज़ को करने पर, तो ऐसे सपने दिखाता है दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग, कि टेलीफोन की घंटी बज रही है या डोरबेल दरवाजे की जो घंटी है वो बज रही है, एंड दैट वी आर अवेक, और हम जगे हैं एंड आंसरिंग इट, और हम उसका जवाब दे रहे हैं, तो ये दिमाग हमें इस तरह के खेल खिलाता है। कहीं पर अलार्म क्लॉक बज रहा है बाहर, तो दिमाग हमें ऐसे सपने दिखाएगा कि हाँ भाई दरवाजे की घंटी बज रही है, हम आंसर दे रहे हैं, तो हम सपने में ही इंगेज्ड रह जाते हैं, तो हम बाहर की डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड,
कुछ सर्टेन मतलब निश्चित कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैव फाउंड, उन्होंने ये पता लगाया है दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम. वंस मतलब कोई भी थर्ड पर्सन हो, तो वंस ड्रीम्स किसी का भी सपना है ऑफन रिवील अक्सर वो उजागर कर देते हैं अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी के प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारी चीज़ें. ग्रेट डील का मतलब है कि बहुत बड़ी बातें भी उजागर कर देते हैं. एंड दैट और वो जो चीज़ है इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली अगर उसको आपने सही से समझ लिया दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. तो वो जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की एक चाबी दे सकते हैं. दे कैन प्रोवाइड अ की, वो एक चाबी दे सकते हैं. किस चीज़ की चाबी? की टू द सोल्यूशन, उस उपाय की चाबी ऑफ दोज प्रॉब्लम. तो समस्याओं का जो उपाय है उसकी चाबी दे सकते हैं. तो सपने में कई बार हमें समस्याएं जो प्रॉब्लम्स है उसका आंसर भी मिल जाते हैं अगर आपने सही से उन सपनों को समझ लिया. वी मस्ट रिमेंबर, मस्ट मतलब अवश्य ही ऐसा करना चाहिए. तो वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ तो हमें अवश्य ही याद रखनी चाहिए. ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. सपनों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं उस तरीके से टू टेल द फ्यूचर की फ्यूचर बताने के तरीके से, यानी कि सपनों का इस्तेमाल हम भविष्य बताने के तरीकों से नहीं कर सकते कि हाँ भाई सपना भविष्य भी बताएगा. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर. सिंपली अगर बोले तो जो दे मतलब सपने, कैन नेवर टेल द फ्यूचर, सपने फ्यूचर कभी बता ही नहीं सकते. ऐसा नहीं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ये सपना नहीं बताएगा. स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस. सोना एक बहुत ही कॉमन सा अनुभव है, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक. लेकिन हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई सोचते हैं अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, कि स्लीप की जो वो वंडर है, वो जो एक आश्चर्यचकित वाली बात है और जो पावर है स्लीप की, हम में से कितने लोग सोचते हैं कि स्लीप इतना वंडरफुल और पावरफुल भी हो सकता है. आगे देखते हैं. मैनी मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट स्लीप. बहुत सारे जो पोएट्स हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने लिखा हुआ है, लिख चुके हैं ब्यूटिफुल पोएम, बहुत खूबसूरत सुंदर कविताएं लिख चुके हैं अबाउट स्लीप, नींद के बारे में. हेयर इज वन, यहाँ पर एक है, इन विच जिसमें द पोएट इज डिस्क्राइबिंग, जो पोएट है वो पूरा वर्णन कर रहे हैं द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अ स्लीप. नींद, फॉल अ स्लीप का मतलब होता है नींद में पड़ जाना यानी कि सो जाना. तो सोने का जो एक्सपीरियंस है उसका वो व्याख्यान कर रहे हैं. रीड इट अलाउड, अलाउड मतलब जोर जोर से इसको पढ़िए. चले तो कविता भी देख लेते हैं. लाइट्स आउट, लाइट्स यानी कि रोशनी, आउट मतलब बाहर, यानी कि जब रोशनी बाहर हो यानी कि जब अंधेरा हो जाए. लाइट्स आउट. आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि आई हैव कम टू द बॉर्डर्स, बॉर्डर मतलब किनारा, कगार ऑफ स्लीप, मैं नींद के कगार पर आ चुका हूँ. जब कोई कविता लिखता है ना तो वो पता नहीं क्या क्या लिखता है, आपको समझना पड़ेगा. आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं नींद के कगार पर आ चुका हूँ. द अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग सून और लेट, आहा दे कैन नॉट चूज. क्या बात, देखिए क्या कह रहा है. द स्लीप तो समझ गए कि मैं नींद के कगार पर आ चुका हूँ. द अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट, अनफैथमेबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो अथाह हो, जो पता ही ना हो, हम अंदाजा ही ना लगा सके, एकदम अथाह, जिसका था ना लगा सके. तो डीप फॉरेस्ट, एक अथाह डीप फॉरेस्ट, जो नींद क्या है, एक ना पता लगाए जाने वाला ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर कुछ पता नहीं कि कितने अंदर आप जा सकते हो, इतना गहरा फॉरेस्ट है. तो अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट. वेयर, वेयर मतलब जहां, ऑल मस्ट लूज देयर वे, जितने भी लोग हैं उस जंगल में, उस अथाह जंगल में जाकर के लूज देयर वे, अपना रास्ता खो देते हैं. नींद एक ऐसी चीज़ है, रास्ता खो देते हैं. हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, स्ट्रेट मतलब सीधा, वाइंडिंग मतलब टेढ़ा मेरा. तो जैसे भी हो, चाहे वो सीधा हो, टेढ़ा मेरा हो, सून हो, जल्दी हो या लेट हो, दे कैन नॉट चूज, वो ये चुन नहीं सकते हैं. जब उस नींद में खो जाएंगे तो चुन नहीं सकते हैं कि वो सीधा होगा, कि वो टेढ़ा होगा, कि जल्दी नींद ख़त्म होगी, कि देर से होगा, दे कैन नॉट चूज, वो चुन नहीं सकते हैं. तो नींद जो है वो एकदम अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट है. यहाँ तक क्लियर है. देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, कोई ऐसी किताब नहीं है या कोई ऐसा चेहरा नहीं है, डियरेस्ट लुक जो आपका प्यारा सा यू नो चेहरा हो, जिसको आप पसंद करते हैं, ना ऐसी कोई किताब है, ना ऐसा कोई डियरेस्ट लुक वाला चेहरा है. That I would not turn from now, कि जिसको
देखकर आपको लगे कि अब मैं दोबारा नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन, यानी कि वो जो अननोन जंगल है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक ले उस जंगल में जाने से. ऐसा मतलब ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है, एक मिनट जरा, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे देखकर आपको लगे कि यार बस अब उस जंगल में नहीं जाऊंगा, ये कोई चेहरा मिल जाए, कोई किताब मिल जाए जो मुझे रोक ले. ऐसा कुछ भी नहीं है. आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, मुझे अवश्य ही वहाँ पर एंटर करना ही करना है. एंड लीव मतलब अकेले, अलोन है ना, तो अलोन मान लीजिए दोनों के लिए आ गया, तो मुझे अकेले ही एंटर करना है एंड लीव अलोन, और वहाँ से अकेले ही बाहर आना है. आई नो नॉट हाउ, आई नो नॉट का मतलब है कि आई डोंट नो कैसे, मुझे नहीं पता. आई डोंट नो कैसे, मुझे नहीं पता कैसे होगा. तो ये पूरा नींद के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि नींद क्या है, कि भैया मैं नींद के बॉर्डर पे आ गया हूँ. और नींद क्या है, एक फॉरेस्ट है, एक अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट है जहाँ पर सब लोग अपना रास्ता खो देते हैं. पता नहीं कि वो सीधा है कि वो टेढ़ा मेरा है, कि जल्दी ख़त्म होगा वो रास्ता, कि लेट से ख़त्म होगा, कोई चुन नहीं सकता है. ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई किताब नहीं है, कोई किसी का चेहरा नहीं है जो आपको उस अननोन में जाने से रोक ले. आपको अकेले ही जाना है, अकेले ही आना है, पता नहीं कैसे करना है. ये एडवर्ड थॉमस ने इस कविता को लिखा है. तो बस यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा. तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.